नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कई ऐसी दिक्कतें हैं जिनका सामना वहां की जनता को आए दिन करना पड़ता है। इसी के चलते जिलाधिकारी समय समय पर लोगों की सुनवाई के लिए उनके बीच जाते रहते हैं। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने पिथौरागढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत खरगदौली पहुंचकर क्षेत्रीय ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने क्षेत्र में आने वाले शहीद हरीश गुरुंग मोटर मार्ग के डामरीकरण और सड़क के किनारे बरसात के पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाई, जिस पर जिलाधिकारी ने मेरी गांव मेरी सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का डामरीकरण और नाली निर्माण कराए जाने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। वहीं जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय सेठी गांव का भी स्थलीय निरीक्षण कर विद्यालय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील के राशन के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए और उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य को निर्देश दिए कि समय समय पर प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर छात्रों को दिए जाने वाले मिड डे मील राशन के सैंपल लेकर जाँच करवाई जाए। जिलाधिकारी ने ध्वज मंदिर मार्ग पर स्थित स्मित सरोवर तालाब का भी स्थलीय निरीक्षण किया और तालाब के सूखा पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। वहीं जिला विकास अधिकारी ने फोन पर वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि अगर तालाब का कोई जल सत्र नहीं है तो इस तालाब की डीपीआर क्यों बनाई गई है। वहीं इस मौके पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को अपनी अन्य परेशानियां बताई, जिनको जिलाधिकारी ने सुलझाने का पूर्ण आश्वासन दिया है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।